30 से कम सीटें नहीं जीतेगा, ये मैं कह दे रहा हूँ। आप पहले भी कह रहे थे राहुल गांधी निकले 20,000 वोटों से आगे। बता दें कि यूपी के कुछ चुनाव का परिणाम आज हम इस वीडियो में जान लेते हैं। चूंकि फूलपुर में भाजपा के प्रवीण पटेल 1257 मतों से आगे चल रहे हैं, वही फूलपुर में भाजपा के प्रवीण पटेल 1257 मतों से तो आगे चल ही रहे हैं, लेकिन इसमें बताया जा रहा है कि प्रवीण पटेल को 18,028 वोट मिले हैं, वही अमरनाथ मौर्य को 16,771 वोट मिले हैं जो कि सपा प्रत्याशी है, और बसपा प्रत्याशी जगन्नाथ पाल को 13,870 वोट मिले हैं। वहीं यूपी लोकसभा चुनाव के जो वाराणसी में पीएम मोदी और रायबरेली में राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, जो कि पीएम मोदी को राहुल गांधी ने पछाड़ दिया है। वाराणसी में पीएम मोदी 16,000 वोटों से चल रहे हैं आगे, जबकि रायबरेली में राहुल गांधी 20,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बता दें कि इसमें बदायूं में आदित्य यादव फिर आगे चल रहे हैं, जो कि तीसरा चरण में चल रहा है। ये सपा 51 वोट से आगे चल रहे हैं। भाजपा दुर्विजय सिंह सकाए 13,163 वोट से आगे चल रहे हैं, जबकि सपा आदित्य यादव 13,214 वोट से चल रहे हैं। वहीं बसपा मुस्लिम खां 3,142 वोट से आगे चल रहे हैं। वही फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र से चौथा चक्र है ये, जो कि फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के राजकुमार चाहर 1,014 मतों से आगे चल रहे हैं। बता दें कि यूपी के लोकसभा चुनाव जो भी आज परिणाम हो रहा है, उसमें दूसरा राउंड में देखें तो पूरा का पूरा होने वाला है, जो कि 19वां लोकसभा मतगणना का परिणाम आपको दूसरा राउंड को देखने को मिलेगा। इसमें भाजपा के साक्षी महाराज 43,984 वोट से चल रही हैं आगे। वही गठबंधन सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन 39,261 वोट से चल रही हैं। वही बसपा के अशोक पांडे 6,066 वोट से आगे चल रहे हैं। ये कि दूसरा राउंड पूरे होने पर भाजपा प्रत्याशी साक्षी महाराज 4,723 मतों से आगे चल रही हैं। क्योंकि यूपी में ही गर्दा फॉर इंडिया जीतने वाला है और इंडिया जीत की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि राहुल गांधी 20,000 वोट लेकर आगे चल रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा खासा परिणाम अभी देखने को मिल रहा है। तो यूपी में इंडिया का पूरी तरीके से हाथ मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो के साथ बनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले रुझान आपको बहुत जल्द दिखाने वाले हैं।